नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम जनवरी माह के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में उपलब्ध है, पूरा वीडियो आप देखें। उसके पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि मैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्लास 12th हिंदी विषय के लिए कुछ सैंपल्स पेपर और प्रीवियस पेपर का भी अभ्यास कराया हूँ। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे अवश्य देखें, निश्चित रूप से आपको उससे फायदा मिलेगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। प्रश्न एक है, स्वच्छता अभियान अथवा गांव नहीं रहे गांव विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। तो फीचर बहुत ही रोचक ढंग से, मनोरंजक ढंग से लिखा जाता है, इस विषय का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न दो, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश पढ़ें, प्रश्न भी पढ़ें। प्रश्न तीन है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस कथन पर भाव पल्लवन कीजिए। क्या लिखूं नामक पाठ है बक्सी जी की, वहां से लिए गए हैं। और गुम होता बचपन अथवा जीवन है या तनाव पर एक आलेख तैयार करना है। आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कोई आठ विशेषता लिखना है, ये भी क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न एक, फीचर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो हम गांव नहीं रहे गांव इस विषय पर फीचर लिखेंगे। एक बार पढ़िए, बहुत ही मनोरंजक भाषा में, आकर्षक भाषा में ये फीचर तैयार है। भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कुछ गांव आज ऐसे हैं जिनकी तस्वीर बदल चुकी है। कुछ गांव आज गांव नहीं रहे, जो गांव कभी बाग बगीचों से भरा था आज वो उजड़ते हुए चमन सा नजर आता है। जिस गांव में चारों ओर हरियाली दिखाई देती थी अब वह खंडहर सा नजर आता है। गांव की मिट्टी में जो सौंधी खुशबू आती थी अब पता नहीं कहाँ खो गई। आज गांव मॉडर्न बन गया है, अब गांव के बच्चों का विद्यालय कॉन्वेंट और स्कूल में बदल गया है। अब हम गांव को उसके हरियाली से दूर कर उसे भी मॉडर्न बनाने लगे हैं। सच तो यह है, अब मेरा गांव गांव नजर नहीं आता, अब मेरा गांव बदल गया है। गांव की इस बदलाव से अब मुझे डर लगने लगा है। गांव में एकता, सहृदयता, प्रेम व भाईचारे की भावना जो पहले देखी जाती थी वह अब पता नहीं कहाँ खो गया। आज गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रह गया। दूसरी ओर आज गांव के किसान मजदूर अपने खेती बाड़ी व काम धंधे को छोड़कर शहरों की ओर पलायन भी कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। सच में आज गांव नहीं रहे गांव। आइए प्रश्न दो का उत्तर देखते हैं, जो काव्यांश है उसके प्रश्नों के हम उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। तो उत्तर क्रमांक दो, जो काव्यांश है उसको आप पढ़ें एक बार। इस काव्यांश के कवि कौन है? तो इस काव्यांश के कवि थिराक गोरखपुरी तथा कविता का नाम रुबाइया है, जो कि उनकी रचना गुले नगमा से लिया गया है। प्रश्न दो, चांद के टुकड़े एक मुहावरा है जिसका अर्थ बहुत सुंदर होता है। यहाँ चांद के टुकड़े का प्रयोग सुंदर बच्चा के लिए किया गया है, क्योंकि बच्चा चांद के समान सुंदर है और हर माँ के लिए उनका बच्चा चांद के ही समान सुंदर होता है। ग नंबर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, माँ अपने घर के आंगन में चांद के समान सुंदर शिशु को लेकर खड़ी है। वह अपने हाथों से उसे झूला झूला रही है, वह बार बार उसको हवा में उछालती है और पकड़ लेती है। इस प्रकार वह अपने बच्चे को प्यार से खिला रही है। प्रश्न नंबर घ, जब माँ बच्चे को सुलाती है, क्षमा चाहूंगा, जब माँ बच्चे को झुलाती है हवा में बार बार उछाल कर पकड़ लेती है तो बच्चा खिलखिलाकर हंस देता है। बच्चे की हंसी वातावरण में गूंज उठती है, बालक बहुत ही प्रसन्न दिखाई देता है। अंतिम प्रश्न अंग नंबर, इस काव्यांश में एक माँ की अपनी शिशु के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन किया गया है। माँ बच्चे को बाहों में लेकर झुलाती है तथा हाथों में लेकर उछालती है, बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। इस दृश्य का सजीव चित्रण इस रुबाइयों में हुआ है। वात्सल्य की जो सुंदरता, सहजता व सरलता महाकवि सूरदास जी के पदों में है, वही सुंदरता फिराक गोरखपुरी जी के इस रुबाई में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अंश वात्सल्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। तो प्रश्न दो का उत्तर। प्रश्न तीन, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भाव पल्लवन करना है। तो ये आप लोग पढ़िए, यह एक कहावत है जिसका अर्थ है, यदि ढोल नजदीक में बजे तो उसकी आवाज कठोर और कानों को फाड़ने वाली होती है, परंतु यही आवाज दूर से सुनाई दे तो कर्ण प्रिय लगती है, क्योंकि मनुष्य की कल्पना में ढोल की आवाज के साथ विवाह की उमंग, उत्साह और आनंद समृद्ध रहते हैं। इसी प्रकार
जीवन के प्रति बुजुर्गों एवं युवकों का दृष्टिकोण है कि सचमुच जीवन की कल्पना दूर के ढोल के समान सुहावने होती है, परंतु यथार्थ धरातल पर आते ही जीवन की कटुता का अनुभव होता है। प्रेम का कल्पित संसार कहीं खो जाता है और जीवन संग्राम से जूझते हुए वे सोचते हैं कि दूर से प्रत्येक वस्तु आकर्षक प्रतीत होती है। तो ये रहा प्रश्न तीन का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुम होता बचपन, इस विषय पर आपको आलेख लिखना है। तो शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे आप कम कर सकते हैं, ठीक है, शब्द सीमा इसका अधिक है, इसे आप कम करके लिख सकते हैं। समय अभाव के कारण मैं नहीं लिख पाया हूं, तो इसे आप अपने हिसाब से शब्द सीमा एक बार देखिए, उसके हिसाब से आप इसका लेखन करें, ठीक है। और अंतिम प्रश्न, अच्छे या आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, कोई 8 विशेषता पूछा गया है, इसे आप लोग देखिए एक बार। तो ये रहा सभी प्रश्नों के उत्तर। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।